सो गाइज, मुझे पहले गूगल पर एक गणेश जी का एक अच्छा सा इमेज सेलेक्ट करना होगा, तो मैं इमेज सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो गाइज, मुझे एक इमेज अच्छा लगा, जैसा कि गाइज आप देख सकते हैं, ये रेफरेंस फ़ोटो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो सबसे पहले मैं इसका बैकग्राउंड हटाऊंगा और ग्रीन इमेज पे मैं इसको लाऊंगा। और फिर गाइज, जैसा कि आप देख सकते हैं कि फिर मैं एक बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैं इस लाइट वाले बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया है। फिर मैं पिक्सल लेवल पे जाकर बैकग्राउंड को लगा दूंगा और उसके ऊपर ग्रिड लाइन ला दूंगा। तो गाइस, जैसा कि देख सकते हैं कि इतने प्रोसेस के बाद एक इमेज जाकर निकला है। तो चलिए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो मेरा आउटलाइन है वो मैंने पहले ही कंप्लीट कर लिया है, वो भी मैंने ग्रिड लाइन की मेथड से यूज करके। और मैं इस डूम्स के पेंसिल कलर से मैं इस ड्राइंग को कंप्लीट करूँगा, गणेश जी के पेंटिंग को। और ये ड्राइंग काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक बनने वाला है। तो इसका अगर आपको आउटलाइन का वीडियो चाहिए तो इस वाली वीडियो को जरूर से देखना, इसमें मैंने आपको स्टेप बाई स्टेप ट्यूटोरियल बताया है, तो जरूर से जाकर चेक करना। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो गणेश जी का जो फेस है वो कंप्लीट मैंने कर लिया, और जो फेस है मैंने इस डोम्स के पेंसिल कलर से बनाया है, और फेस जो है काफ़ी ज़्यादा फाइन और रियलिस्टिक बना है। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं फेस कितना ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है, और मैंने इसमें डिटेलिंग काफ़ी ज़्यादा किया है, और इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है इनके जो मुकुट है उसको बनाने में। मैं सेम इसी कलर से मैं इनके और भी सारे शरीर बनाऊँगा और बैकग्राउंड को उदूँगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं।
तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो गणेश जी का पूरा बॉडी है उसको मैंने कंप्लीट कर लिया है और केवल बैकग्राउंड बाकी है। तो मैं सेम इस इमेज को मैं बैकग्राउंड में देने वाला हूँ। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने सेम इसी डोम्स के पेंसिल से मैंने इसको बनाया है और सेम उसी प्रोसेस से मैं बैकग्राउंड को भी दूंगा। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें कितनी ज़्यादा मेहनत की है और कितना रियलिस्टिक बनाया है। बनाते हैं तो थैंक यू सो मच गाइज मेरे इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए। वीडियो को जरा सा भी पसंद आए, जरा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जोर से एक लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज जैसे कि आप देख सकते हैं कि फाइनली जो मेरा ड्राइंग है कुछ ऐसा बना है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये ड्राइंग कैसा लगा। और हाँ गाइज, मुझे ड्राइंग बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है और काफ़ी ज़्यादा इसमें डिटेलिंग भी थी। तो गाइज जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें डिटेलिंग पार्ट कितनी है, तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है। तो वीडियो को जोर से एक लाइक करना बनता है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय। Find the real me. So let's go. Seize the feeling. Cause you know, it's time for the meaning. Now we show. We're coming to win it.